students how are you all this is my last video of this chapter explanation okay the best christmas present in the world class 8 and the book name is honey dew okay open your page page number 13th last paragraph that night back in our dugouts we heard them

Uh, मतलब होते हैं उनके लिए मतलब ज़मीन के नीचे एक खाई जैसी बना दी जाती है और ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है चाहे वो घास से किया हो चाहे वो पत्थरों से किया हो चाहे लकड़ियों से या जाल से ठीक है इसको हम क्या कहते हैं डग आउट्स कहते हैं तो उसरा जब हम अपने अपने डग आउट्स में वापस गए वी हर्ड दैम सिंगिंग कैरोल ठीक है हर्ड सुनना कैर गाना या तराना हमने उनको एक कैर गा मतलब कैरोल गाते हुए सुना एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली क्वाइट काफ़ी ब्यूटिफुली सुंदरता से या खूबसूरती से ठीक है तो बोल रहे हैं उस रात जब हम अपने अपने डग आउट्स में गए तब वो जो फ्रेंड्स थे वो लोग कैर गा रहे थे हम उन्हें कैरल गाते हुए सुन रहे थे और वो जो कैर गा रहे थे वो काफ़ी ख़ूबसूरती से गा रहे थे इट वॉज स्टिल ने साइलेंट नाइट ठीक है वो जो गाना था वो था स्टिल नेच्ड साइलेंट नाइट अवर बॉयज गेव दैम आ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉचड बॉयज य रिफर्स टू सोल्जर्स ठीक है हमारे सैनिक गेव दैम उन्हें देना गेव दीन्स उन्हें देना राउजिंग कोरस मीन्स राग ओके क्या गा रहे थे वो वाइल्ड शेफर्ड वॉश्ड ठीक है जो हमारे सैनिक थे वो उन्हें राग दे रहे थे गाते हुए वाइल्ड शेफर्ड वॉश्ड वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल्ड एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट एक्सचेंज अदला बदली फॉर अ वाइल्ड कुछ देर के लिए फेल साइलेंट शांत पड़ जाना ठीक है हमने कुछ देर के लिए जो हम गाना गा रहे थे मीन्स एक दूसरे से शेयर किया मीन्स अदला बदली की मीन्स कुछ वो गा रहे थे तो कुछ ये गा रहे थे ठीक है उस और थोड़ी देर बाद फिर हम सब लोग शांत पड़ गए वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल ठीक है जब किसी भी सेंटेंस में हेड हेड का यूज़ हेड का यूज़ टू टाइम्स होता है इट मीन्स दैट इट इज़ द फॉर्म इट इज़ द फॉर्म ऑफ हैव ओके हैव का पास परफेक्ट फॉर्म होता है ओके okay? हैव का पास परफेक्ट फॉर्म जो होता है वो होता है हैड हैड ठीक है तो इसका मतलब है हमारे पास शांति और सद्भावना का समय था ठीक है पीस शांति गुडविल सद्भावना अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव यह एक ऐसा पल था जिसको मैं अपनी पूरी जिंदगी ट्रेजर मीन संजोए रखना मैं अपनी पूरी जिंदगी इसको संजोए मतलब मैं अपनी जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं इस पल को इस समय को संजोए रखना चाहता हूँ डरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमरी ओके बाई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम मीनिंग अगले साल क्रिसमस ओके डिस्टेंट दूर टेरिबल भयानक ठीक है वो बोलता है कि अगले साल क्रिसमस तक यह युद्ध और कुछ नहीं बल्कि दूर की और भयानक स्मृति होगी आई नो आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस हैपेंड घटित होना टुडे आज आर्मी सेनाएं लॉन्ग फॉर पीस मीन्स जो शांति चाहना मीन्स शांति चाहती हैं ठीक है ठीके? जो कुछ भी आज घटित हुआ उससे ये पता चलता है कि मुझे ये पता चला कि जो दोनों सेनाएं होती हैं वो सिर्फ क्या चाहती है शांति चाहती है वी शेल बी टुगेदर अगेन सोन आई एम श्योर ऑफ एट टुगेदर साथ अगेन जल्द अगेन दोबारा सोन जल्दी तो जो जिम मिस्टर जिम जिम मैकफर्सन है वो कहते हैं कि हम लोग जल्दी दोबारा साथ होंगे और मैं इस आई एम श्योर ऑफ इट मीन्स मैं इसके बारे में निश्चित हूँ ठीक है योर लविंग जिम ठीक है अभी लेटर ख़त्म हो गया आई फोल्ड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू इट्स एनविल्प फोल्डेड मोड़ना लेटर पत्र अगेन दोबारा स्लिप्ड इट मीन्स खिस उस खिसकाना ठीक है स्लिप्ड इट मीन्स उसको खिसकाना केयरफुली सावधानी से बैक एनविलप लिफाफा तो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैंने उस लेटर को फोल्ड किया मोड़ा और और उसको उस एनविल्प में डाल के खिसका दिया मीन्स रख दिया आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट अवेक जागा जागना ठीक है वो बोलते हैं कि मैं पूरी रात तक जागा रहा बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू बाय मॉर्निंग मीन्स सुबह तक सुबह तक मुझे क्या क्या करना है मुझे इस बात की इस बात मतलब इस बात का पता था आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट ड्रोव मीन्स जाना ठीक है मैं ब्रेडपोर्ट में गया जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे जो कि फ्यू मीन्स कुछ माइल्स मील अवे दूर जो कि कुछ मील दूर था आई आस्ट अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज ठीक है आगस्ट पूछना बॉय लड़का वॉकिंग हिज डॉग मीन्स अपने कुत्ते को सैर करा रहा था ठीक है मैंने वहाँ पर एक जो लड़का था जो अपने डॉगी को सैर करा रहा था मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है ठीक है हाउस नंबर ट्वेल्व उसने बताया हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप जो वहां पे एक बॉय था मैंने उससे जब पूछा कॉपर बीचेस कहाँ हैं तो उसने मुझे बताया ठीक है तो मैं गया हाउस नंबर ट्वेल्व टर्नड आउट टर्न आउट मीन्स निकला टू बी नथिंग बट कुछ भी नहीं था सिर्फ एक क्या था बॉन्ड आउट शेल ठीक है उसका जो बाहरी आवरण था वो जला था मीन्स उसका जो घर का बाहरी आवरण द रूफ गैपिंग रूफ गैपिंग मीन्स रूफ मीन्स छत गैपिंग मीन्स टूटी फूटी द विंडोज़ बोर्डेड अप ओके जो उसकी वहाँ की खिड़कियाँ थी बोर्डेड अप मीन्स होता है आ, किसी फट्टे से बंद की कवर की गई बंद किया था ठीक है जो खिड़कियाँ थी उस घर की वो लकड़ियों के फट्टे से बंद कर रखा था ठीक है तो बोल रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था सिर्फ एक क्या था एक जला सा आवरण था और और जो उसकी छत थी वो टूटी फूटी थी और जो उसकी खिड़कियाँ थी वो लकड़ी के फट्टे से बंद कर रखा था आई knocked एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड asked इफ़ anyone knew न्यू द of अबाउट्स ऑफ अ ठीक है नॉकड खटखटाना नेक्स्ट डोर अगला दरवाज़ा न्यू जाना वेयर अबाउट्स ठिकाना ठीक है तो मैंने जो उस घर के बगल में घर था मैंने उस घर में नॉक किया और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के ठिकाने मींस वो कहाँ रहती है इसके बारे में कोई जानता है ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स ही न्यू हर वेल ठीक है अरे हाँ ओ यस मीन्स अरे हाँ स्लीपर्स मीन्स चप्पल वेल अच्छे से ठीक है तो उसने जब पूछा तो एक व्यक्ति आया उसने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बोला हाँ तो उस मतलब वो अपने चप्पलों में आया बूढ़ा व्यक्ति और उसने बोला अरे हाँ मैं जानता हूँ और वह उसे बहुत अच्छे से जानता था अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हैडेड लवली ओल्ड लेडी मीन्स प्यारी बूढ़ी महिला बिट अ बिट मीन्स थोड़ी सी मडल हैडेड मीन्स कन्फ्यूज रहने वाली कन्फ्यूज भ्रमित रहने वाली ठीक है बोल रहे हाँ मैं जानता हूँ जो कि एक बहुत ही प्यारी सी बूढ़ी महिला है और थोड़ी सी कन्फ्यूज भी रहती है बट एट हर एज शी वॉज़ एंटाइटल टू बी वर्जन शी हंड्रेड एंड वन ईयर ओल्ड बट लेकिन ऐट हर एज उसकी उम्र पर उम्र में एंटाइटल मीन्स उसको नाम दिया था ठीक है यह हकदार वजन शी वह नहीं थी हंड्रेड एंड वन ईयर ओल्ड ठीक है वो कितने साल की हो गई थी एक सौ एक साल की तो बोल रहा है कि एक सौ एक साल की उम्र में वो मतलब हमने जो उसको एंटाइटल दिया है मीन्स जो उसका नाम रखा है मडल हेडेड तो वो बिल्कुल उपयुक्त है उसके लिए शी हैड बीन इन द हाउस वन इट कॉट फायर ठीक है बीन होना हाउस घर कॉट लगना फायर आग बोल रहे वो जब उसके घर में आग लगी थी तब वो घर में ही थी नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड रियली वास्तव में नो no न्यू जाना स्टार्टड लगना मतलब शुरू होना मतलब आ, कोई भी ये नहीं जा जानता था वास्तव में कि आग जो थी वो कैसे लगी थी बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स कैंडल्स मोमबत्तियाँ ठीक है लेकिन जो उसके घर में थी वो मतलब अक्सर ज़्यादा क्या यूज़ करती थी कैंडल्स मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी ठीक है she used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive ठीक है वो हमेशा यूज मीन्स उपयोग कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती रादर मीन्स बजाय इलेक्ट्रिसिटी बिजली एक्सपेंसिव महंगी ठीक है वो हमेशा मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी बिजली के बजाय बिजली के बजाय मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसे लगता था कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम फायरमैन जो आग बुझाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको फायरमैन कहते हैं आउट बाहार जस्ट इन टाइम मीन सही समय पर ठीक है जो फायरमैन थे वो बिल्कुल सही समय पर आके उनको बाहर निकाला शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन ठीक है तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो अब एक नर्सिंग होम में रहती है नर्सिंग होम जनरली वहाँ पे लोग रेजिडेंशियल मतलब रहते भी हैं और वहाँ पे उनका इलाज भी चलता है ठीक है और अधिकतर जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं ठीक है उसे हम नर्सिंग होम कहते हैं ठीक है वो कहाँ थी नर्सिंग होम में थी उन्होंने मुझे बताया जो कि उस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिटन हाउस और यह डॉर्चेस्टर रोड में है जो कि उस टाउन के उस शहर के दूसरी तरफ है टाउन मीन शहर ओके आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ फाउंड पाया ईजिली आसानी से इनफ काफ़ी ठीक है जो वो नर्सिंग होम था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था वो मैंने काफ़ी आसानी से पाया देयर वर पेपर चेंस अप इन द हॉ हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन दॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंगल ऑन टो टॉप ओके पेपर चेंस मीन्स पे कागज की कुछ झड़ी सी मीन्स डेकोरेटिव चीजें ठीक है हॉलवे मीन्स उस हॉल में जाने वाला रास्ता लाइटेड क्रिसमस ट्री मीन्स जो क्रिसमस ट्री होती है उसको क्रिसमस लाइट uh, से सजाया हुआ stood मींस खड़ा कॉर्नर मींस कोना ठीक है विथ के साथ लोफ साइडेड एंगल मींस होता है सबसे ऊपरी कोण मींस जो क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देखा होगा ना उसके ऊपर जो टॉप पे जो लाइट होती है मेन लाइट होती है वो या तो स्टार की तरह होती है या ऐसे गोल सी बड़ी सी होती है ठीक है तो जो वहाँ पे जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हॉल जाने वाले रास्ते में एक मतलब पेपर की झड़ी सी मीन्स डेकोरेटिव पेपर से बनी हुई कुछ चीज़ें थी और एक जो क्रिसमस ट्री था वो आ, लाइट से सजा हुआ था जो कि उस कोने में था और उसके टॉप पे एक बहुत सुंदर सी लाइट थी I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. Friend, dost, come to visit means मिलने आया हूँ. Bring लाया. Christmas present, Christmas का तोहफा या उपहार. ठीक है जो author थे उन्होंने कहा मैं आ, मैं मैं दोस्त हूँ Mrs. Macpherson का और मैं उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस का तोहफा भी लाया हूँ आई कुड सी थ्रू इन टू द डिनर रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग आर पेपर हैट एंड सिंगिंग ठीक है थ्रू से डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम मीन्स जहाँ पे हम खाना खाते हैं उस रूम को हम डाइनिंग रूम कहते हैं वेयरिंग्स पहने हुए वियरिंग मीन्स पहने हुए पेपर कागज कागज की बनी टोपी हैट मीन्स टोपी सिंगिंग गाना 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 ठीक है तो मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा डाइनिंग रूम मतलब डाइनिंग रूम से होते हुए देखा मतलब डाइनिंग रूम में देखा कि जो वहाँ पे सब लोग थे उन्होंने पेपर से बनी हुई टोपी पहनी है और वो सब लोग गाना गा रहे हैं द मेट्रन हैड हैट ऑन टू एंड सीम्ड इनफ सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी मेटरन मीन्स होता है जो हेड नर्स होती है ओके okay? Uh, मुख्य नर्स हैड टोपी हैप्पी uh, खुश इनअ काफ़ी सी मी टू सी मी मुझे देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो गई तो जो वहाँ की uh, मुख्य नर्स होती है जो हेड नर्स होती है वो उसने भी जो कागज़ की बनी हुई हेड थी वो पहनी थी और मुझे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई शी इवन ऑफर्ड मी अन्स पाई ठीक है ऑफर्ड मीन्स पेशकश की मीन्स होता है कीमा पाई मींस समोसा ठीक है कीमे का बना हुआ समोसा उन्होंने मुझे खाने के लिए ऑफ़र किया मीन्स आप मतलब मुझे पूछा कि आप खाओगे शी मी अलोंग द कॉरिडोर मिसेज मैकफर्सन इज़ नॉट एंड विद द अदर्स शी टोल्ड मी ठीक है मी शी वॉकडमी मी अलोंग मीन्स मेरे साथ चलना ठीक है कॉरिडोर गलियारा ओके okay, तो वो बोल वो उनके साथ चली और वो कह रहे कि मेरे साथ जो मेट्रन थी वो मेरे साथ उस गलियारे में चली और उन्होंने बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो औरों के साथ नहीं है शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट एट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट ठीक है वो बोल रहे हैं कि शी रादर कन्फ्यूज टुडे वो आज बहुत ज़्यादा भ्रमित थी मीन्स कन्फ्यूज़ थी उनके दिमाग मतलब कन्फ्यूज़न हमेशा कन्फ्यूज़ में रहती थी वो ठीक है तो बोल रहे हमने सोचा थाउट मीन्स सोचना है विचार करना हमने विचार किया कि उन्हें अच्छे आराम की ज़रूरत है ठीक है तो हमने उन्हें आराम करने के लिए बोल दिया शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट्स फैमिली परिवार विजिट्स आ, मिलने आना तो बोल रही है कि उनका कोई भी परिवार नहीं है तुम जानते हो इसीलिए कोई भी मिलने नहीं आता है सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू ठीक है श्योर मीन्स विश्वास होना ठीक है प्लीज मीन्स खुश ठीक है बोल रही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी शी टुक में इंटू द कंज़रवेट्री with wicker chairs and potted plants all around and left me she took me into means मुझे अंदर ले जाना ठीक है वह उन्होंने वह मुझे अंदर ले गई into अ कंजर्वेटरी कंजर्वेटरी होता है वनस्पति रक्षा गृह मींस जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं विद विकर प्लांट विकर सॉरी विकर चेयर विकर चेयर मींस जो uh, विकर चेयर मीन्स होता है सी या डाली से बनी हुई कुर्सी पॉटेड प्लांट्स मीन्स जो पेड़ जो पौधे गमलों में लगाए जाते हैं ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ लेफ्ट मी मीन्स मुझे छोड़ना ठीक है तो जो वो मेट्रन थी हेड नर्स थी वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पे चारों तरफ ठीक है विकर चेयर्स थे पॉटेड प्लांट्स थे और वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चली गई द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला व्हील चेयर मीन्स जो चल नहीं सकते हैं वो उनके लिए जो चेयर होती है उसे व्हील चेयर कहते हैं फोल्डेड मीन्स मोड़ना लैप मीन्स गोद ठीक है बूढ़ी महिला जो की व्हील चेयर में बैठी थी और उन्होंने अपने हाथों को अपनी गोद में मोड़ के रखा था शी हैडर वाइट हेयर पिंड इन टू अस्पी बन सिल्वर व्हाइट हेयर मीन्स चांदी जैसे सफेद बाल पिंड मीन्स जो पिंड से लगे हुए थे विस्पी मीन्स अस्पष्ट या मै सी बन मीन्स जोड़ा ठीक है उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे उन्होंने अपने बालों को बालों में एक मैसी सा बन बना के रखा था और उसको पिन मतलब उसमें पिन लगा के रखी थी शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन ठीक है गेजिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ देखना ठीक है वो बगीचे में गार्डन की तरफ सॉरी बगीचे में एक तक होकर देख रही थी हेलो आई सेड मैंने कहा हेलो शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली ठीक है टर्न मुड़ना लुक्ड अप मीन्स ऊपर की तरफ देखना वैकेंटली मीन्स उदासीनतापूर्वक ठीक है मैंने जब उन्हें हेलो कहा तो वो मुड़ी और उन्होंने ऊपर की तरफ ऊपर देखा मेरी तरफ बहुत ही उदासीनता पूर्वक ठीक हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन ठीक है तो जो ऑथर थे उन्होंने कोने को हैप्पी क्रिसमस विश किया और वो आई वेंट ऑन मीन्स मैं चलता गया मीन्स उनके पीछे पीछे वो चलते गए आई फाउंड दिस ठीक है मैन फाउंड मीन्स पाना मैंने यह पाया आई थिंक इट्स योर्स मुझे लगता है ये आपका है एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस ठीक है स्पीकिंग बोलना ठीक है तो बोल रहे कि जैसे कि मैं बोल रहा था लेकिन जो उनकी आंखें थी वो मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर ठीक है जो ऑथर थे ओपन मीन्स खोलना ठीक है जो ऑथर थे उन्होंने उस बॉक्स को खोला और मिसेस मैकफर्सन को वो दे दिया दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस मोमेंट मींस पल या क्षण अप होता है मतलब आ, बहुत एक्साइटेड उत्सुकता ठीक है अप मीन्स उत्सुक उत्सुकतापूर्वक रिकोगनीशन मीन्स पहचान सफर्ड विथ सडन ग्लो ऑफ हैपीनेस मीन्स होता है कि जो उसकी उसके चेहरे पे एक खुशी जो खुशी से जो चमक आ गई थी ठीक है तो बोल रहे हैं कि वह एक पल था जब जो उसकी आंखें थी वो ठीक है उसकी वह एक पल आया जब उसकी जो आंखें थी वो उत्साह से भर गई मीन्स उन्होंने उत्साह से भर गई और उन्होंने मुझे पह मतलब पहचान पहचाना और जो उनका उनका जो चेहरा था और जो उनका चेहरा था वो खुशी के चमक से भर गया आई एक्सप्लेंड अबाउट द डेस्क About how I had found it, but I don't think she was listening. ठीक है explain वर्णन करना desk, वो table found पाना ठीक है आ, वो कह रहे हैं कि मैंने उस डेस्क के बारे में वर्णन किया कि कैसे वो मुझे मिला लेकिन मुझे नहीं लगता है लगता था लग रहा था कि वो मुझे सुन रही है फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips okay ओके means मीन्स letter लेटर पत्र tenderly means नम्रता से फिंगर टिप्स मीन्स अपनी उंगलियों के टॉप से मतलब फिंगर टिप्स इससे ओके तो कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोली और परंतु जो वो पत्र था उसको वो बहुत ही नम्रता से अपनी उंगलियों से इस टाइप से मार रही थी सडनली शी रीजड आउट एंड टुक माई हैंड ठीक है सडनली अचानक से रीज पहुँचना रीजड आउट मीन्स बाहर पहुँचना टुक माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ना ठीक है वो बोल रहे हैं ऑथर बोल रहे हैं कि अब अचानक से क्या हुआ वो बाहर को आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया हर आईज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स आइज आंख फिल्ड भरना टियर्स आंसू जो उनकी आंखें थी वो आंसू से भर गई यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड ठीक है उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस में वापस घर आओगे प्यारे एंड हियर यू आर और तुम आ गए द क्रिस द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड ठीक है देखो उसने कहा था उसने कहा मिसेस uh, मैकफर्सन ने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस में आओगे और तुम आ गए जो यह जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है जो सरप्राइज दिया है ये दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस का उपहार है कम क्लोजर जेम डियर सेट डाउन कम क्लोजर मीन्स नजदीक आना सेट डाउन मीन्स बैठ जाना वो बोलती है मेरे पास आओ नजदीक आओ जेम डियर मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे पास आओ और मेरे मतलब नीचे बैठ जाओ आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस माई चेक सेट डाउन मीन्स नीचे बैठना बिसाइड मीन्स बगल में किस मीन्स चूमना cheek मीन्स गाल ठीक है मैं उनके बगल में बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल में किस कर दिया चूमा मेरे गालों को आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे रीड पढ़ना ऑफ़न अक्सर एवरीडे हर दिन ठीक है तो कहती है कि मैं हर दिन तुम्हारा लेटर अक्सर पढ़ती हूँ आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हैड ठीक है वॉन्टेड चाहना हीयर सुनना वॉइस आवाज़ इन माई head मीन्स मेरे कानों में ठीक है यहाँ पे सर में नहीं ओके इन माई head मीन्स मेरे कानों में मीन्स मैं अपने कानों में तुम्हारी आवाज़ों आवाज़ को सुनना चाहती हूँ आई इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी ठीक है मेड मी फील मींस मुझे ऐसा लग लगना मतलब मुझे लगना ठीक है मतलब ये जो है ये हमेशा मुझे ऐसा लगता था इससे कि तुम मेरे साथ हो मीन्स क्या जो भी वो लेटर पढ़ती थी वो उस लेटर को पढ़ के उसको ऐसा लगता फील होता था कि ऐसा अनुभव होता था कि जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कोनी के साथ है एंड नाउ यू आर और अब तुम आ गए नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू माई टू मी योर सेल्फ अब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम मेरे लिए ये खुद से पढ़ सकते हो योर सेल्फ मीन्स खुद से या स्वयं वुड यू डू दैट फॉर मी क्या यह तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर प्यारे जिम आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन हेयर सुनना वॉइस आवाज अगेन फिर से मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा या फिर से सुनना चाहती हूँ आई हैड लव दैट सो मच लव प्यार या पसंद सो मच मीन्स अत्यधिक मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड देन पर हैप्स वी विल हैव सम टी और तब पर हैप्स शायद वी विल हैव tea मीन्स हमारे पास कुछ चाय होगी ओके मीन्स हम लोग चाय पियेंगे आई हैव मेड यू nice क्रिसमस केक ठीक है वो बोलती है मेड यू मीन्स बनाया है तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा क्रिसमस का केक बनाया है मर्जी पान ऑल अराउंड ठीक है क्या कौन सा केक बनाया है मर्जी पान केक बनाया है ठीक है जो कि तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट होता था आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम मर्जीपन के कितना पसंद करते हो ओके तो इन द एंड हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मिसेस मैकफर्सन थी वो ऑथर को अपना हस्बैंड मिस्टर जेम मैकफर्सन समझ रही थी ओके तब वो कहती है जब वो उसको लेटर देने के लिए आए छोटे से काले कलर के टेन के बॉक्स में तब उन्हें ऐसा लगा मिसेस मैकफर्सन को ऐसा लगा कि वो ऑथर जो है वो उनके हस्बैंड है ठीक है Okay, who is the author of this chapter? Michael Morpurgo. Okay, in my next video, we will do the word meaning of this chapter. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.